हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई क्या हाल चाल है फिर सबका। तो आज है भाई 24 दिसंबर और तुम लोगों को पता आज का क्या सीन है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, फिलहाल हम जा रहे हैं सर्कल गार्ड कॉलेज अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। मेरा नहीं है, चाचू का है, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। बाकी फिलहाल तैयार होते हैं, चलते हैं। ऑलरेडी 9 बजने वाले हैं और 10 बजे से 12 बजे तक से टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से लगभग 10 बजे के आसपास निकल जाएंगे और आई थिंक 40-45 मिनट लगेंगे हम ट्रैवल करने के लिए। और आराम से हमारे पास 1 घंटा बच जाएगा टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं। अम्मा अम्मा, इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है यहाँ पे? लाइट जलाओ। और ये क्या कर रहे हो? गरम चावल, रात के चावल है ये। रात के चावल क्यों कर रहे हो गरम? सुबह क्या बनाया? सुबह मक्की की रोटी है और गेहूं की रोटी है। हाँ, कल भी मक्की की रोटी, आज भी मक्की की रोटी। पानी तुम देख सकते हो यहाँ पे उबल रहा है, निकालते हैं इसमें से और नहाते हैं। चाय, नहाना कैंसिल, पहले चाय। चलो भाई, बड़ी एकदम चाय पी लिए, अब चलते हैं नहाने। इस पानी से नहीं, बाहर महा में उसमें गर्म हो रहा है, वहां से निकालते हैं और नहाते हैं। तो भाई नहा लिया, फिलहाल खाना खाते हैं। और खाने में है हमारे पास छल्ले की रोटी, उसके ऊपर है मक्खन और उसके ऊपर है नमक जो अम्मा ने पीसा हुआ है वो डाला है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अम्मा वापस से गर्म कर दिया, तो ये सख्त हो चुका है, इतनी ठंड हो चुकी है वापस से। तो फिलहाल इसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा पिघलाते हैं और फिर खाते हैं। खाना वाना खा के तैयार बार हो चुके। बाकी यार मेरे बालों की हाल तुम लोग देख सकते हो ना, सूख गए थे खाते खाते जाते और यहाँ पे आते आते तो जैसे तैसे मैंने कर दिए ठीक। और बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे गर्दन ऐसे ऐसे हिला रही है, ऐसे ऐसे हिला रही है, क्या हुआ? बाकी ये देख सकते हो तुम लोग, मम्मी ने क्या सारा बंजारा खोल रखा है यहाँ पे, मार्केट पूरी तरह। तो भाई ये रही अपनी डॉक्यूमेंट फाइल और इसमें मैंने कहीं पे छुपा के रखा है चाचू का लर्निंग लाइसेंस। कौन सा वाला है यार? ये तो नहीं है। अरे कहाँ गया वो यार? इसमें तो नहीं है, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा यार मैंने कहाँ रख दिया उसको। अब ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने चाचू को वो दे दिया है या नहीं दिया है। याद नहीं आ रही अभी तो फिलहाल, मुझे नहीं मिल रहा। बाकी जाते वक्त प्रिंट करवा लेंगे। वैसे भी टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो 4 नंबर फॉर्म और स्लॉट बुकिंग वो भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो उसके साथ में ना हम वापस लर्निंग लाइसेंस प्रिंट करवा लेंगे। तो बढ़िया बैग वैग डाली, वैसे बैग में कुछ है नहीं, खाली है बिल्कुल। बल्कि मैंने इस ट्राईपॉड को, मम्मी कर रही है मेरे सामने नाटक। लो भाई करो नाटक। मम्मी ने पहले मेरी जगह, लेकिन मम्मी को ये भीड़ी हो रही है, टाइट। हाँ टाइट हो रही है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है कि लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है, हिंदी बोलना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, हिंदी शुद्ध बोला करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें एडवाइस दी, हम भी आपको एडवाइस देना चाहते हैं। आपको टाइट हो रही है, कृपया करके अपना पेट कम करें, सुबह सुबह दौड़ लगाएं उठ के। बाकी मेरे बिस्तर का हाल तुम लोग देख सकते हो, मम्मी साफ कर देना इसको, ठीक है? प्लीज करने में लगी हुई हूँ मम्मी, इतना काम नहीं कर सकती, खुद करो। वाह, गले क्या लगा, लाइट चली गई। भाई बल्लभ को क्या हो गया? अभी तो नया लाया था मम्मी ले आई है 150 रुपए खर्च करके। फिर बोलता है मेरे को कुछ देते ही नहीं आप, क्या दिया आपने, क्या ये पड़ गया? चलते हैं हम यार तानों से ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, हम चलते हैं। है पहाड़ी मम्मी, इनके ये ही चलते रहते हैं। बाकी ये ग्लव्स ले लिया, वापस काम आएगा, ऐसे एक ही है मेरे पास, वो दूसरा तो मिलता नहीं। हाँ मुझे क्या पता यार, मेरा दूसरा बैग नहीं मिल रहा है, वो ब्लू वाला। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है ढूंढने के लिए यार, मैं बैग क्यों ले जा रहा हूँ, उससे अभी इसमें कुछ डालना ही नहीं है। और ये रही बाइक, इसको भी करते हैं स्टार्ट। चाचू दिया सुनता ही नहीं यार, जा बोतरू ले आए का, बोतरू हां डाल का जैसा पूछ देना, दूध दे देना। कितने लीटर का? आधा लीटर का होना से जल्दी जा। यार अब छोटी अम्मा ने ना, मतलब
चाचू की अम्मा मम्मी ने एक काम दे दिया कि छोटा सा बोतल लानी है। अब वो कहाँ से लाऊंगा यार। अम्मा को पूछता हूँ, अम्मा ओ अम्मा, अम्मा तो है नहीं ऊपर। और आप भी जग गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे थे आप? कौन? तेरी अम्मा सजा कह रही रात में। वो क्यों चली गई अपने घर मायके? लड़ाई हुई और चली गई बाकी। किससे हुई लड़ाई? मेरे से। अभी दो मिनट में? और क्या भाई, एक बोतल तो मिल चुकी है, बट ये थोड़ी सी बड़ी है। अम्मा दे रही है एक बोतल, जो कि अम्मा पत्नी कब तक देंगी। और भाई जा कहाँ रहे थे? ड्राइविंग लाइसेंस देने और यहाँ पे बोतल ढूंढो अभियान चल रहे हैं। तो भाई ऐसे ही ना घर में फिलहाल गोल गोल घूम रहा हूँ। घूमते मैं पापा के कमरे के बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ना च्यवनप्राश रखा है, एक चम्मच खा के चलते हैं अब। हाँ, तब से यूँ ही घूम रहा हूँ मैं। ओह, अब चम्मच नहीं है यार। चलो चलो जल्दी करो, चाबी कहाँ है? तब तक हम वार्म अप कर लेते बाइक का। बाइक का वार्म अप बड़ा जरूरी है। और ये बताओ यार, दूसरा हेलमेट का क्या चक्कर फिर? क्योंकि हमारे पास हेलमेट एक ही है। आगे देखते हैं भाई। आगे मिल जाएगा यार, खरीद लो अब तो। चाचू खरीदते नहीं यार। चलो भाई लेट्स वार्म अप। भाई अपाची का ये दुख है, ये जल्दी स्टार्ट नहीं होती। चलो मैं स्टार्ट करके मिलता हूँ आप लोगों से। बाकी यार तुम लोग मेरी हालत देख, मम्मी ने भी अपना बैग दे दिया कि पर मार्केट तक ले चल। मैं मुझे क्या समझ रखा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो भाई लेट्स गो, मज़ा आ रहा है। हेलमेट नहीं है, मार्केट जाके पहुँचते हैं, वहाँ से लेते हैं किसी अपने दोस्त से उधार थोड़ी देर के लिए। मज़ा आने वाला है। बढ़िया भाई, सुबह सुबह पापा ने खोल दिया दुकान आज। ये लो बैग को रख लो। बाकी ये क्या की है यार, कम से कम सामान को तो ठीक से करते। तो इनको निकाल दो बाहर यार, देखो टेबल यहीं पे रखा है। पापा ने बिल्कुल भी दुकान ना सजाई नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे पड़ा सारा सामान। तो भाई ये रख दिया मम्मी का बैग, अब वो आते रहेंगी ले लेंगे यहाँ से। बाकी तुम दुकान की हालत देख सकते हो, पापा ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया और मैं भी नहीं करने वाला, क्योंकि हमें जाना है। तो क्या सुबह सुबह ना लाइसेंस तुम लेनी, उसको वापस से प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाते हैं, क्या करवाना है? फॉर्म नंबर 4, वापस से लाइसेंस और स्लॉट बुकिंग। चलो भाई बढ़िया हो चुके हैं अपने फॉर्म प्रिंट। तक तो चाचू के पास फोटो नहीं था, उतना टाइम बर्बाद हो गया हमारा। अब भागते हैं। चाचू को खुद पे ना विश्वास नहीं हो रहा कि उनसे ये टेस्ट पास हो सकता है। बाकी हम पहुंच गए हैं सरगार्ड कॉलेज, पीछे तुम लोग देख सकते हो सरगार्ड कॉलेज अपना, और सामने चला है टेस्ट। यार इस बार कुछ भीड़ ना कुछ ज़्यादा ही है इस बार, जिस वक्त मैंने दिया था उस वक्त इतनी थी नहीं। और तुम देख सकते हो सामने, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भाई, इतनी लंबी लाइन है ना। तो फिलहाल चाचू सोच रहे हैं बीच में घुसने की, लेकिन आपको पता है बंदे आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं कि बीच में कहाँ आ रहा है, लफड़ा हो जाएगा यहीं पे। चलो, पर एक बात है कि हम सुखू के बंदे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार हमारी पार्टी चल रही है, क्यों आ चुके फिलहाल हमें कोई नहीं रोक सकता, सीधा शिमला फ़ोन करेंगे। पर एक अच्छी बात है ना, पिछली बार RTO वाले ना वीडियो बनाने से मना किया, लेकिन इस बार मना नहीं कर रहे, जो कि एक अच्छी बात है। पता नहीं यार पिछली बार कौन सा रूल था इनका, बट इस बार ठीक है। आज कुछ देखते हैं ड्राइवर्स के कैसे कैसे वो पास करते हैं। चाचू तो गए लाइन में सबसे लास्ट में, क्या बात है भैया, तो एकदम राइडर है राइडर। चलो बढ़िया यार, सब टेस्ट दे रहे हैं अपना। तुम लोग देख सकते हो सामने का बिल्कुल पहाड़ भाई, पहाड़ों के बीच में ड्राइविंग टेस्ट, क्या बात है भाई। चाचू भी तुम लोग देख सकते हो अभी तक यहीं पे पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन। तुम लोगों ने कभी एक्सट्रीम लेवल वाला सुकून सुना है, मतलब महसूस किया कभी? ये ना वो वाली फीलिंग है जब लड़कियाँ ना हम लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं, तब उनको ये फीलिंग आती है। हम लड़कों को तब फीलिंग आती है जब ऐसी पापा की परियां ना
क्या कहते हैं उसको ड्राइविंग लाइसेंस में टेस्ट देने वक्त तो फेल हो जाती है वो भाई साहब। ये जो वाला सुकून है ना एक्सट्रीम लेवल वाला है। और सामने ना मेरे पापा की परी है। क्या बात है, पास हो गई पापा की परी। कोई एक कम से कम एक फेल हो जाए, क्या बात है। कोई बात नहीं, बाकी अपने चाचू की बारी आ चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। ये क्या बात है, बढ़िया पास। बाकी चाचू का फॉर्म होगा उनके पास, वो लेके आते हैं। चलो चलो भाई चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो मुबारक हो। हाँ जी, हो गया आपका पास फेल पक्का। बढ़िया, मुबारक हो। अब अरे फॉर्म तो ले आओ अपना, गिरा दी। अरे 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 भैया हैं, झंडा दे बस लगा दे। हाँ लगा दो लगा दो भाई, एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ये लोग स्टिकर दे देते हैं, ठीक है चलो बढ़िया। चाचू बढ़िया पास हो चुके हैं। अब इसको ना आरटीओ ऑफिस चलते हैं ऊपर सरका घाट, और वहाँ पर सबमिट करते हैं। और एक और हमारे पास गांव के चाचू, उन्होंने भी हमारे पास दे दिया, तो लगे हाथ इसको भी सबमिट करवा देंगे आरटीओ ऑफिस। और ये रहा अपना कॉलेज सरका घाट। 3 साल ज़िंदगी यहीं पर बर्बाद किए हैं, और 3 साल बर्बाद करने के बाद भी कुछ नहीं मिला हमें। क्या हो गया, आरटीओ जाने के बाद ना बुआ के पास भी जाना पड़ेगा, उनके लिए ना हम दूध लाए हैं, उनको देख के जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों सरका घाट, और ये रहा सरका घाट का बस स्टैंड, जो कि काफ़ी छोटा है यार मतलब। चलो बढ़िया, बट फिलहाल हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम जाएंगे आरटीओ ऑफिस। तो भाई सामने देख सकते हो तुम, ये बिल्डिंग ये है कार्यालय भवन, यहीं पे जाना है हमें, मतलब ये वाली बिल्डिंग पे, सेकंड फ्लोर पे। चलो भाई पार्किंग लगा दी यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे पार्किंग कर नहीं सकते, लेकिन हमें कर दी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर एम्प्लॉयज टू व्हीकल। ये काम रहा बस, फिर उसके बाद बुआ के पास जाना है। तो ये है भाई आरटीओ ऑफिस, इसको करवाते हैं अब जमा। चलो भाई फाइनली अपना आरटीओ वाला काम हो चुका है, बाकी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कहीं पे, तो बुआ के घर चलते हैं, वो भी ना यहीं पे सरका घाट में रहते हैं। चलो आपकी बहन से मिलने चलना है। और नीचे है रोड और जा रही है HRTC। ये रहा भाई सरका घाट स्कूल। चलो बढ़िया, मैं तो कभी यहाँ पे पढ़ा नहीं, लेकिन एक बार टेस्ट देने के लिए आया था 8वीं में, वो स्कॉलरशिप का वाला टेस्ट था। बढ़िया 24,000 रुपये मिले थे हमको स्कॉलरशिप में, ये उसी से फ़ोन लिया था। चलो भाई खाना खाते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया। बाकी बुआ ने सलाद भी कर दी यहाँ पे, बढ़िया। ये दे दो मेरे पास इसको, यार मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज रही नहीं है, तो चाचू के फ़ोन में बनाते हैं ब्लॉग। अब चाचू के फ़ोन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है वैसे। बुआ ने बना दी है बढ़िया चपाती और सब्जी। ये बुआ ने सही किया यार, दिन के टाइम ना चावल खाए नहीं जाते। तो चलो खाते हैं, फिर आपको लोगों से बाद में मिलते हैं। अब घर जाना है, उसके बाद ना क्रिकेट खेलने जाना। क्रिकेट खेलने जाएंगे शायद ही, हैं ट्यूशन पढ़ाने, वो तो 4 बजे होगी, तो हमने आना 6 बजे के साथ। हाँ वो भी है यार, कोई नहीं आप जा खेला, हम कल खेल लेंगे फिर। भाई मज़ा आ गया खा के ना, मिर्च डाली थी बुआ ने, ओ हो इतनी ठंड में मिर्ची गर्म, पूरा शरीर गर्मा गर्म हो गया इतनी ठंड में। बाकी हमारे पास रोटी बच गई है, सलाद भी बच गया जो मैं खा लेता हूँ, और रायता। ओह माय गॉड, इसमें थी सारी मिर्च जितनी भी थी। ठंडा ठंडा सलाद खाते हैं ना, जीभ को थोड़ी शांति मिलेगी। तो भाई वक्त आ गया वापस से बुआ से अलविदा लेने का। अलविदा जी, अलविदा, बाय बाय। ये देखो भाई मेरे चाचू के काम आ गए वापस, लेकिन चाबी रहेगी अंदर। चाबी बिना बाइक के कैसे जाएंगे। वाह क्या बात है, कैच देखो, कैच कितना खतरनाक हुआ। और तुम लोग सामने का व्यू चेकआउट कर सकते हो, सामने के पहाड़, क्या बात है। अरे 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 मेरे को ठोक मत देना, इतने मस्त पहाड़ है ना, अपना हिमाचल नंबर वन। ये है अपना कॉलेज, इसको बाय बाय बोलते हैं, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए जब याद आएगी। ये है भाई जाहू के सारी मार्केट, जो कि आज खाली खाली सी है, वरना यूजली इतनी खाली होती नहीं। चाचू को लेनी है चाची के लिए स्वेटर, इसलिए आए हैं शॉप पे। एक तो लेनी है स्वेटर, उसके बाद उनके लिए लेनी है चाउमीन। तो भाई फिलहाल इतनी कुछ दिखा दिया भाई ने, और चाचू के ना प्राइस सुन के होश उड़ गए हैं। प्राइस कहाँ गया इसका, प्राइस टैग इस पर नहीं है। हाँ तुम्हें देख के लेनी है, ये वाली है भाई। प्राइस पसंद आया हाँ, तो प्राइस जब देखा तो पहले देख। क्या बात है, यार लड़कियों का ना ज़्यादा पिंक पसंद आता है।
ये कर दो अभी ज़्यादा दूर रख। मेरी चॉइस के लिए था सुनिए, क्या बात है, मतलब डिस्काउंट तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो चलेगा, थोड़ा डिस्काउंट तो मिलना चाहिए यार, ये तो मतलब हक है कस्टमर का। पैसा 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 आ गया साढ़े को, जो एटीएम से पैसा निकालने के बावजूद भी पैसा गिनती करे उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा। मशीन के ऊपर भी भरोसा नहीं है भाई। चाउमीन करते हैं यहाँ से पैक, काफी चलते हैं घर। मोमो भी कराने, चाउमीन ना तो नहीं यार, एक तो डिमांड शादी के बाद इंसान डिमांड पूरी करने में लग जाता है भाई। करवा लिए पैक चाउमीन भी यार, एक तो बैग में जगह नहीं है। ये लो, चलो लेट्स गो बैक टू होम। चाचू को जाना है क्रिकेट खेलने, चलो भाई फिलहाल चलाते हैं बाइक हम, आप बैठो मजे से पीछे। तो भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। पहले सरका घाट से आए जाहू गए, जाहू से थोड़ा मतलब सामान लिया जो भी थी डिमांड चाचू के लिए वो ली और बाकी आ गए फटाक से। तो मैंने वहां से बाइक स्टार्ट की, उसके बाद पेट्रोल भराया और आ गए घर। हाँ वो हेलमेट जिसका बाइक लिया था ना सुबह वो वापस कर दिया उसको। तो भाई टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 4:30 और फिलहाल ना तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, बाकी चाय पीने का मूड था लेकिन अम्मा घर पे है नहीं, वो गई है खेतों में आंवले लाने के लिए, वापस उनका बिजनेस वो चलता रहता है वरना फिर कोई और ले जाएगा उनको तोड़ के वहाँ से। बाकी दादा नीचे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत गप्पे मारी। तो फिलहाल का प्लान क्या है कि मुझे जाना है कहीं पे सत्संग जाना है मुझे, फिलहाल मैं कम से कम 2-3 सालों बाद जा रहा हूँ और वहाँ की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं पर ऐड करते हैं, आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और एम करते हैं इस ब्लॉग का 20 लाइक्स के लिए। कमेंट करके ज़रूर जाना, भले तुम इस कमेंट में लिखो नहीं बस एक कम से कम एक इमोजी डाल दो, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना उसको ना कमेंट्स और लाइक ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तभी जाके वीडियो को रिकमेंड करता है औरों को। इसलिए लाइक और कमेंट करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।